12 जून को आज तक ने ये खबर पब्लिश की। इस आर्टिकल के मुताबिक हैदराबाद की एक मस्जिद में केमिकल ब्लास्ट हुआ। दक्षिण पंथी वेबसाइट ऑफ इंडिया और इन खबर ने भी यही दावा पब्लिश किया और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इन आर्टिकल्स पर यकीन कर इन्हें फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया। लेकिन आज तक समेत इन रिपोर्ट्स की खबर में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हैदराबाद में हुए इस ब्लास्ट के बारे में कई मीडिया संगठनों ने खबर दी थी, लेकिन आज तक से अलग बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्लास्ट मस्जिद में नहीं लेकिन एक नाले के पास हुआ था। आर्टिकल्स में बताया गया है कि हैदराबाद में अफजलगंज थाना क्षेत्र के एक नाले के पास ये केमिकल ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में भरत बथौड़ की मौत हो गई थी, वहीं उसके पिता गंभीर रूप से घायल है। पूरा मामला कुछ यूं था कि भरत केमिकल का कारोबार करता था। वो कई सालों से अपने घर के पास बने एक नाले में केमिकल डंप करता था। 12 जून को भी वो एक्सपायर हो चुके केमिकल को नाले में फेंक रहा था। वहीं ज्यादा जत्थे के कारण नाला ब्लॉक हो गया। सियासत डेली ने लिखा है कि नाले में लगे जाम को हटाने के लिए भरत ने पानी डाला और इस कारण ब्लास्ट हुआ। ऑल्ट न्यूज को अफजलगंज पुलिस स्टेशन के SHO रविंद्र रेड्डी ने बताया कि ये ब्लास्ट मस्जिद में नहीं हुआ था बल्कि ये केमिकल की दुकान के सामने हुआ था। उन्होंने कहा कि मृतक भरत एक्सपायर हो चुके केमिकल को डिस्कार्ड करने नाले के पास गया था। नाली में जाम हुए केमिकल को हटाने के लिए उसने रॉड का इस्तेमाल किया। इस दौरान सारा केमिकल नीचे गिर गया और ब्लास्ट हो गया। ऑल्ट न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि केमिकल ब्लास्ट किन वजहों से हुआ, क्योंकि फिलहाल फॉरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि ये ब्लास्ट मस्जिद में नहीं हुआ था। आज तक जिसका अपना एक फैक्ट चेकिंग विंग है ने बिना वेरीफाई किए आर्टिकल में ये बात लिख दी कि हैदराबाद के मस्जिद में केमिकल ब्लास्ट हुआ था। आज तक ने बिना कोई क्लेरिफिकेशन दिए फिलहाल अपना आर्टिकल अपडेट कर दिया है।